हेलो फ्रेंड्स, आई एम राज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन से किसी का भी व्हाट्सअप स्टेटस कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो किसी का भी व्हाट्सअप स्टेटस डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सअप में उसका स्टेटस फुल तरीके से देख लेना है। एंड उसके बाद जो करना है वो देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। तो चलिए सीधा चलते अपने फ़ोन के स्क्रीन पर एंड देख लेते हैं किसी का भी व्हाट्सअप स्टेटस हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको किसी का भी व्हाट्सअप स्टेटस डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले उसका स्टेटस देख लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बहुत सारा स्टेटस देख लिया है एंड देखने के बाद आपको सीधा जाना है गूगल फाइल्स में। उम्मीद करते हो कि आप लोगों के पास गूगल फाइल होगा, वरना इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। तो उसके बाद आपको गूगल फाइल ओपन करना है एंड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट मिलेगा, आपको उस पर जाना है। एंड उस पर जाने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद आपको सेटिंग के ऑप्शन पर जाना है। एंड जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा शो हिडन फाइल्स, तो आपको शो हिडन फाइल्स का जो ऑप्शन है वो इनेबल कर देना है। तो उसके बाद आपको आ जाना है बैक, एंड बैक आने के बाद आपको सीधा जाना है यहाँ पर अपने इंटेल स्टोर में। एंड इंटेल स्टोर में जाने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है एंड आने के बाद आपको यहाँ पर व्हाट्सअप नाम का एक फ़ाइल मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको इस फाइल में चले जाना है। एंड जाने के बाद आपको नीचे मीडिया वाला फाइल मिलेगा, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। एंड उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेटस का फाइल दिखेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद आप देख सकोगे आपने जो जो स्टेटस आपने देखा है व्हाट्सअप पे, वो सारा स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा। एंड उसके बाद आपको जो स्टेटस यहाँ से लेना है, मतलब डाउनलोड करना है, उसको आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद आप यहाँ से मूव भी कर सकते हो एंड कॉपी भी कर सकते हो। मैं बोलता हूँ कि आप कॉपी करना, क्योंकि कॉपी में ज़्यादा फ़ायदा है। तो कॉपी पे क्लिक करना है एंड कॉपी पे क्लिक करने के बाद आपको इंटेल स्टोर पे क्लिक करना है या फिर अपने मेमोरी कार्ड में क्लिक करना है। एंड उसके बाद आप जिस भी फाइल में उस स्टेटस को मूव करना चाहते हो या फिर कॉपी करना चाहते हो, उस फाइल को चूज़ कर लेना है। तो मैं चूज़ कर लेता हूँ डाउनलोड एंड कॉपी हेयर कर देता हूँ। एंड कॉपी हेयर करने के बाद हो गया कॉपी। एंड उसके बाद आप सीधा चले जाओगे अपने गैलरी में, तो मैं वीडियो में चला जाता हूँ, तो ऊपर ही आ जाएगा स्टेटस जो मैंने अभी डाउनलोड किया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया ऊपर। तो आप ऐसे किसी का भी व्हाट्सअप स्टेटस डाउनलोड कर सकते हो सिंपली। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया, एंड पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल पे हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।